भाजपा कार्यालय प्रतापपुर में भाजपा प्रत्याशी विनोद ने प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठवें चरण में 25 मई को उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, जिसमें भदोही लोकसभा सीट भी शामिल है। भाजपा ने विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने ललितेश पति त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। बसपा ने इरफान अहमद उर्फ बबलू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनोद बिंद ने कहा कि इस बार विकास के मुद्दे, एक मजबूत राष्ट्र के मुद्दे और मजबूत देश बनाने के मुद्दे और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लिए हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अगर विनोद बिंद को भदोही की जनता चुनेगी तो उनके लिए मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज कोनिया का पुल का निर्माण करवाएंगे। आर चेतना न्यूज, राजेश शुक्ला, ब्यूरो प्रयागराज। और वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों का जो है सभी सुरक्षित है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हमारे देश में सुरक्षित है। इसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री जो क्षेत्र गाँव के लिए, देश के विकास के लिए उस पर।